हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका V42 में। तो आज हम बात करेंगे भारत में अक्टूबर 2022 के महीने में वो 10 गाड़ियां कौन सी हैं जो सबसे कम बिकी थी, यानी कि टॉप 10 सबसे कम बिकने वाली गाड़ियां अक्टूबर 2022 के महीने में। उन सब की टोटल यूनिट्स कितनी सोल्ड हुई हैं, उनके एक्स शोरूम प्राइसेस क्या हैं, तो उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 10 पोजीशन की। नंबर 10 पोजीशन पर है MG क्लॉस्टर, जिसके टोटल 179 यूनिट बिकी थी अक्टूबर के महीने में। इसका एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 32 लाख से 40 लाख के बीच में। ये टोटल 6 वेरिएंट्स और 4 कलर्स में अवेलेबल है। ये एक 7 सीटर सेडान कार है और डीजल के साथ ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अवेलेबल है। बात करते हैं नंबर 9 पोजीशन की। नंबर 9 पोजीशन पर है किया EV6। ये एक इलेक्ट्रिक SUV कार है जो कि 2 वेरिएंट्स के साथ 5 कलर्स में अवेलेबल है। ये एक 5 सीटर कार है और इसकी टोटल अक्टूबर 2022 के महीने में 152 यूनिट सेल हुई थी। इसका एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 55 लाख से 65 लाख के बीच में। 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है और ये एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अवेलेबल है। नंबर 8 पोजीशन पर आती है स्कोडा ऑक्टेविया, जिसकी टोटल 124 यूनिट सेल हुई थी। इसका एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 25 लाख से 29 लाख के बीच में। ये 15.81 का माइलेज देती है। 1984 सीसी का इसका इंजन है जो 187.74 BHP पावर जनरेट करती है। ये पेट्रोल वेरिएंट्स में अवेलेबल है। इसके 2 वेरिएंट्स और 5 कलर्स हैं। ये एक 5 सीटर सेडान कार है। बात करते हैं नंबर 7 पोजीशन की। नंबर 7 पोजीशन पर है एक इलेक्ट्रिक कार जिसका नाम है हुंडई कोना इलेक्ट्रिक, जिसकी टोटल 106 यूनिट सेल हुई थी। ये एक 5 सीटर SUV कार है जो की 2 वेरिएंट्स के साथ 5 कलर्स में अवेलेबल है। इसका एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 23 लाख से 24 लाख के बीच में। 39.2 किलोवाट आर की इसकी बैटरी कैपेसिटी है और इसकी 452 किलोमीटर रेंज है। नंबर 6 पोजीशन पर आती है टोयोटा वेलफायर। देखिए, ये सारी गाड़ियाँ बहुत ही अच्छी हैं और इनकी यूनिट इसलिए सेल नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जहाँ बात आती है महिंद्रा की, टाटा की, मारुति की, तो लोग उसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन इन गाड़ियों में भी कोई कमी नहीं है। इनका बढ़िया माइलेज होता है, बढ़िया लुक वाइज होती है। तो अगर आप ये गाड़ियाँ लेना चाहते हैं, इसमें से कोई गाड़ी भी खरीदना चाहते हैं, तो आप इजिली ले सकते हैं। हम बात कर रहे थे नंबर 6 पोजीशन की। नंबर 6 पोजीशन पर है टोयोटा वेलफायर, जिसकी टोटल 88 यूनिट सेल हुई थी। इसका एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 94 लाख से। इसका एक ही वेरिएंट अवेलेबल है, वो 4 कलर्स में है। ये एक 7 सीटर MUV कार है और सेफ्टी के लिए इसमें एयरबैग्स भी हैं और 16.35 का ये माइलेज देती है। 2494 सीसी का इसका इंजन है जो कि 115 BHP पावर जनरेट करती है। बात करते हैं 5th पोजीशन की। 5th पोजीशन पर है वॉक्सवैगन टाइगन, जिसकी टोटल 83 यूनिट सेल हुई थी। इसका एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 35.5 लाख से। इसका भी सिंगल वेरिएंट अवेलेबल है और 7 कलर्स में अवेलेबल है। ये एक 5 सीटर SUV कार है। 1984 सीसी का इसका इंजन है जो 187.74 BHP पावर जनरेट करती है। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अवेलेबल है। 600 लीटर का इसका बूट स्पेस है और इसमें भी सेफ्टी के लिए एयरबैग्स हैं। बात करते हैं नंबर 4th पोजीशन की। नंबर 4th पोजीशन पर है टोयोटा कैमरी, जिसकी टोटल 49 यूनिट सेल हुई थी अक्टूबर 2022 के महीने में। इसका एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 45 लाख से। 2498 सीसी का इसका इंजन है जो कि 175 की 175 BHP पावर जनरेट करती है। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ एक वेरिएंट में 7 कलर्स में अवेलेबल है। ये 5 सीटर सेडान कार है और इसमें भी सेफ्टी के लिए एयरबैग। तो अभी तक आपको कौन सी गाड़ी इन सब में से अच्छी लगी है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम बात करेंगे 3rd पोजीशन की। 3rd पोजीशन पर है स्कोडा कोडियाक, जिसकी टोटल 55 यूनिट सेल हुई थी। इसका एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 37 लाख से 40 लाख के बीच में। 12.78 का ये माइलेज देती है। 1984 सीसी का इसका इंजन है जो कि 187 BHP पावर जनरेट करती है। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 3 वेरिएंट्स में 6 कलर्स में अवेलेबल है। ये एक पेट्रोल कार 7 सीटर SUV कार है और इसकी ड्राइव टाइप है 4WD। बात करते हैं नंबर 2nd पोजीशन की। नंबर 2nd पोजीशन पर है महिंद्रा एल्ट्रस G4, जिसकी टोटल 40 यूनिट सेल हुई थी। इसका एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 30 लाख से 32 लाख के बीच में। 12 का ये माइलेज देती है। 2157 सीसी का इसका इंजन है जो कि 178 BHP पावर जनरेट करती है। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 2 वेरिएंट्स में 4 कलर्स में अवेलेबल है। ये एक 7 सीटर SUV कार है और इसमें भी सेफ्टी के लिए एयरबैग्स हैं। अब बात करते हैं अक्टूबर 2022 के महीने में भारत में सबसे कम बिकने वाली गाड़ी कौन सी है। उसका नाम है सिट्रोन C5 एयरक्रॉस, जिसकी टोटल 15 यूनिट सेल हुई थी। इसका एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 36 लाख से। 17.5 का ये माइलेज देती है। 1997 सीसी का इसका इंजन है।
इसका सिंगल वेरिएंट अवेलेबल है और ये एक 5-सीटर एसयूवी कार है। ये 7 कलर्स में अवेलेबल है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ डीजल फ्यूल टाइप में अवेलेबल है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इन सब में से गाड़ी कौन सी अच्छी लगी। इनकी यूनिट सेल कम सिर्फ इस वजह से नहीं है कि इस गाड़ियों में कोई कमी है, जबकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, ज्यादा बढ़ चुका है, इस वजह से इन गाड़ियों की सेल थोड़ी कम हुई है। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या सजेशन है तो प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए और रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट टाइमली मिलते रहे। सो थैंक्स।